दोस्तों, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें काफ़ी सारी ऐसे घटनाएं, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ बनते हैं कि जिसकी वजह से हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। और स्ट्रेस और एंग्जाइटी जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वो डिप्रेशन के स्वरूप धारण कर लेती है। हमारी डे बाय डे की जो ओपीडी है जिसमें पेशेंट्स आते हैं, उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमें ऐसा कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक खुशी फील नहीं होती है, हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, रीज़न पता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सब कुछ सेटल है, फिर भी एक खुशी फील नहीं हो पा रही है। शायद मेरा ये वीडियो देखने वाले काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा या हो रहा होगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए है, इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आज आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस ये होने के पीछे क्या कारण होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाती है, और एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए और हमेशा खुश रहने के लिए आपको ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ या कौन से ऐसे नुस्खों का सेवन करना है कि जिसकी वजह से आप हमेशा खुश रह सकते हैं, एंग्जाइटी से दूर रह सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, डिप्रेशन जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और मैं डॉक्टर सुहेल दलाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेस और एंग्जाइटी। हमारे दिमाग में एक केमिकल निकलता है जिस केमिकल का नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी हार्मोन का मतलब होता है कि हमें खुश रहने के लिए जिस हार्मोन की ज़रूरत है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, और सेरोटोनिन जो है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में हैप्पीनेस को सीक्रेट करता है। अगर हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का सीक्रेशन अच्छे तरीके से नहीं होता है तो उसकी वजह से हम ऑलवेज स्ट्रेस फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं, हमें तनाव महसूस होता है, हमें दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और अगर सेरोटोनिन का स्त्राव अच्छे तरीके से हो, सेरोटोनिन का सीक्रेशन अगर सही तरीके से हो, तो वही इंसान बिल्कुल हैप्पी, हेल्दी और खुश फील कर सकता है। ऐसा ही एक दूसरा हार्मोन भी होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, लेकिन डोपामाइन जो है उसके सीक्रेशन से आपको टेम्पररी एक्साइटमेंट या टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन अगर सेरोटोनिन का लेवल आपके दिमाग में सही तरीके से और हमेशा के लिए बैलेंस रहे तो आपको परमानेंट लेवल पे हैप्पीनेस मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा नुस्खा है और कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, पंचकर्म चिकित्साएं हैं कि जिसको लेने से हम हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन जो है उसके लेवल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और हमेशा स्ट्रेस फ्री और एंग्जाइटी से फ्री रह सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला आयुर्वेदिक नुस्खा है कि जो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएगा, उसमें सबसे पहली चीज़ है दूध। आप सब लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर घरों में रात को दूध पिया जाता है। हम रात को दूध क्यों पीते हैं? हमारे जो बाप दादा थे या हमारे जो पूर्वज थे वो रात को दूध क्यों देते थे? क्योंकि दूध में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके ब्रेन में नेचुरली सेरोटोनिन को सीक्रेट करती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा एक स्पेशल वक्त आता है जिसे जब उसे रात को दूध का ग्लास दिया जाता है। आपकी ज़िंदगी में इस वीडियो को देखते वक्त शायद आपकी ज़िंदगी में वो दिन आ गया होगा या आने वाला होगा। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है, हमारे तीन इंग्रेडिएंट हैं जो होम रेमेडी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है दूध। दूसरा है, हमें उस दूध में एक चीज़ मिलानी है जिसे केसर कहा जाता है। केसर दो प्रकार की मिलती है, एक ईरानी केसर होती है, एक कश्मीरी केसर होती है। हमें लेना है कश्मीरी केसर। केसर को आयुर्वेद में कुमकुम कहा जाता है। केसर के ऊपर काफ़ी सारे साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं दोस्तों। केसर का जो रोल है वो हमारे मूड को एनहांस करने में
और हमारे माइंड में से, हमारे दिमाग में से स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। केसर के ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्च हुए उसमें ये साबित हुआ है कि अगर हम केसर का रेगुलर इस्तेमाल करें तो हमारा एंग्जाइटी और डिप्रेशन दूर हो सकता है। उसके अलावा जिन लोगों को मूड स्विंग की शिकायत रहती है वो भी अगर दूध में केसर का इस्तेमाल करें तो उनकी मूड स्विंग की शिकायत दूर हो सकती है। और अभी हमारा जो होम रेमेडी में जो तीसरी चीज़ है वो है मिश्री, जिसे हम खड़ी साकर कहते हैं गुजराती में, जिसे शर्करा भी कहा जाता है। आपको क्या करना है, एक ग्लास दूध लेना है, वो दूध को अच्छे से गर्म करना है, उसमें 8 से 10 सीली जो है वो केसर की मिलानी है और उसमें आधा चम्मच जो है वो आपको मिश्री डालनी है और आपको अपना ड्रिंक रेडी करना है। इसको रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको रेगुलरली 15 से 30 दिनों तक लेना है। अगर इसका आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपका एंग्जाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। आप एनर्जी से भरे हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली जो नहीं है वो वापस लौट आएगी। ये मैंने आपको बात की हमारे होम रेमेडी के बारे में दोस्तों। लेकिन जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या हाइपर एसिडिटी है, क्योंकि केसर की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट और लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट जो है वो ये केसर वाले दूध का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद मैं आपको एक दो ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भी बताता हूँ कि जो आपके आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से आप खुशी फील नहीं करते हैं तो वो सेरोटोनिन की वजह से है। वो सेरोटोनिन को नेचुरली रिलीज़ करने के लिए और नेचुरली सीक्रेट करने के लिए दो ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली औषधि है जिसका नाम है अश्वगंधा और दूसरी है ब्राह्मी। अगर आप अश्वगंधा और ब्राह्मी का रेगुलर सेवन करते हैं 15 से लेकर 30 दिनों तक तो भी आप अपने सेरोटोनिन को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। और तीसरा है आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी और प्राचीन पंचकर्म चिकित्सा जिसे शिरोधारा कहा जाता है। आप सब लोगों ने सुना होगा और अगर जिन्होंने नहीं सुना है तो एक बार शिरोधारा के बारे में ज़रूर से जानें। शिरोधारा के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आगे इस चैनल पर रखेंगे। शिरोधारा जो है उसमें आपको आपके आपका जो फोरहेड है उस पर ऑयल कूलिंग किया जाता है और तकरीबन 45 मिनट्स तक आपके सर पे रेगुलर ऑयल डाला जाता है जिसकी वजह से आपका सेरोटोनिन लेवल अच्छे से एनहांस होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया, एक होम रेमेडी के बारे में बताया, उसे तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, उसे ज़रूर से ट्राई करें। और वो ट्रायल एंड टेस्टेड फार्मूला है, सदियों से चला आने वाला फार्मूला है जिससे आप ट्राई करके उसका इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो दो आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया उसे भी आप ले सकते हैं और आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा में शिरोधारा भी आप करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आप पीड़ित हैं तो उसे कैसे मुक्त हुआ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपके साथ जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116 117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।